बोल रहा है जयपुर का कितना अमेजिंग व्यू है, बस थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ी रेडिएशन हो रही है उसके लिए सॉरी गाइस, लेकिन ये लोगों ना मतलब मस्त अमेजिंग सा व्यू आता है जयपुर, कितना अच्छा अच्छा व्यू। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज हम जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पर, गाइस इतनी अमेजिंग लोकेशन का रेंडमली प्लान बना गया है हमारा कि पहले तो हम जोरासी मंदिर पर गए, वहाँ पे हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो वहाँ पे हमारा शूट बिल्कुल भी नहीं हुआ, फिर इसके कैमरे में गए हम थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे गाइस, तो इसके कैमरों में क्या पानी चला गया, तो फिर भैया ने बोला कि आज ना अपन अजमेर चलते हैं, तो हम ना सीधा निकल आए, हमने कुछ भी सोचा रहे हमारा कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट हो पाया, इसके कैमरे में अभी पानी है, इसके बैक कैमरे से हम शूट कर रहे हैं यार, मस्ती करना हमको बहुत भारी पड़ गया और बहुत महंगा भी पड़ सकता है आगे चल के। तो अभी तो हम बस में आ चुके हैं, हमने मुरैना भी क्रॉस कर लिया और हम धौलपुर पहुंचने वाले हैं यार, उसके बाद तो ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं, मतलब काफी अमेजिंग चीजें दिखाऊंगा मैं आपको इस ब्लॉग में, हम पुष्कर भी जा सकते हैं घूमने के लिए, तो बने रहिए आप हमारे इस ब्लॉग में और जर्नी को इंजॉय कीजिए यार। अभी मैं बताता हूँ थोड़ी दूर हम ढाबे पर रुकते हैं, अभी हम खाना खाने के लिए रुके हैं, हम ढाबे पर रुकते हैं और बेसिकली इस बस के जो गाड़ी चला रहे हैं इस बस को वो मेरे भैया ही चला रहे हैं, तो वो हमको ले जा रहे हैं सीधा, और इस चीज का एक और ट्रेवल कर रहे हैं, तो वह कितना अमेजिंग है ना, बिना टिकट अभी एक डबल स्लीपर में बैठे हुए, इसका कुछ फायदा नहीं है, अभी दो मिनट में बाहर निकल जाएंगे भाई, किसी और के बाके बैठ गए, तो ये किए आप ना तुम्हारे माहौल बना देंगे वहाँ पे जाके ऐसे कर करके। ये देखो ना गाइस बस में सब लोग सो चुके हैं, बस हम दोनों कुछ जाग रहे हैं और एक पीछे वाला कोई और भूते हुए जाग रहा है, ये देखो तो कोई भी नहीं जाग रहा यार बस में, ये बड़ी आराम से दूर दूर तक जा रहे हैं, बिल्कुल काली यार काली पड़ी हुई है, ये सिस्टम है गाइस। तो बेसिकली गाइस ये ना सिस्टम है जो कि ना सिर्फ अपन बना सकते हैं यार, सपोर्ट बोर एलोस भाई इन बिग बॉस, आप सपोर्ट कर सकते हो, जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करो यार, मैं तो प्रीमियम प्रमोशन कर रहा हूँ, एलोस भाई को सपोर्ट करो यार, अपने भी भाई यार, मैंने उन लोगों को देख के और विकास सर को देख के तो मैंने यूट्यूब शुरू किया यार, उनको देख के तो मुझे चिल मची है, फिर आप ऐसे यार मेरे पानी फेर दो यार, एलोस भाई को सपोर्ट करो बिग बॉस में, हाँ टास्क के वोट दो मेरे जितने भी हो सारे वोट दो एलवेस भाई को, जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करो और एलवेस भाई आग लगा दो यार, सिस्टम पाड़ दो। तो गाइस अभी तो हम पहुंच चुके, मैंने पूरी बस की मतलब आपको वो करा दिया, तो एक बंदा मुझे देख रहा था यार, वो देख के बोल रहा था क्या कर रहे हो भाई, मैंने ब्लॉग बना रहा हूँ यार ये ब्लॉग कैसे आएगा मुझे नहीं पता कैसे आएगा, कल आ जाएगा, मैंने ये बोल दिया था, तो आप तो अभी तो आप बने रहिए, कितना अमेजिंग मतलब इंटरेस्टिंग, हम पहली बार हम बस में जर्नी करने वाले हैं, पहली बार यूट्यूब पर ये ब्लॉग आने वाला है ग्वालियर टू अजमेर, वैसे कभी किसी ने डाला नहीं है, लेकिन ग्वालियर से हम शूट नहीं कर पाए यार, लेट हो गए थोड़ा, तो आप अभी इंजॉय कीजिए ना आप हमारे साथ। धौलपुर वाला हाईवे तो अपन ने छोड़ दिया था, अब अपन भरतपुर वाले हाईवे निकल चुके हैं, यहाँ से हम सीधा भरतपुर और एक ढाबे पे अपना स्टे, वहाँ पे अपन थोड़ी देर के लिए रुकेंगे रेस्ट करेंगे, तो वहाँ से सीधा जाएंगे। बस यहाँ पे अपनी बस का करीब से करीब 30 मिनट का स्टे है और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं खाना खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने भैया बस चला रहे हैं बढ़िया आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम ना आए। कहाँ पे भाई स्टॉप वाले, हाथ पाथ धो रहे हैं यार, ये देखो ना गाइस पधारो हमारे देश ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, कितनी अच्छी लाइन लिखी यार, पधारो हमारे देश, भरतपुर मोड है ये ना, आगरा के लिए भी आगरा इधर से अपन आगरा भी जा सकते हैं गाइस, ये जयपुर वाला रूट ले लिया अपने ना, ये हमने जयपुर वाला रूट ले लिया है, you've got me losing control waiting on you to
तो वैसे यहाँ पे अपनी बस 5 मिनट की रेस्ट के लिए रुकी यार, यार इतनी नींद आ रही थी गाइस आंखों में, तो भैया ने बोला चलो चाय पी लेते हैं यहाँ पे, अभी हम थोड़ी देर से चाय पीते हैं यार, मतलब बहुत ही तेज़ नींद आ रही थी अभी तो 5 मिनट के लिए बस रेस्ट पर रुकी। कोई मतलब सुविधा कौन सा, अमर पवित्र भोजनालय है यहाँ पर रुकी हुई है, अभी हम 5 मिनट चाय पी के फिर हम यहाँ से निकलते हैं। जयपुर का कितना अमेजिंग व्यू है, बस की थोड़ी आवाज़ आ रही है, थोड़ी इरिटेशन हुई उसके लिए सॉरी गाइस, लेकिन ये देखो ना मतलब मस्त अमेजिंग सा व्यू आता है जयपुर, कितना अच्छा लगता है। अभी बहुत ही मुझे फ्लाई ओवर पर इसके ऊपर एक और पर चले जाते हैं जयपुर में, मतलब कि फ्लाई ओवर के ऊपर फ्लाई ओवर पर जाते हैं हम, इतना अच्छा लगता है, इतना इंटरेस्टिंग लगता है। वो देखो आप जैसे मैं सामने दिखाता हूँ, रुको अभी थोड़ी देर बाद आएगा। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था हम जयपुर पहुँच चुके हैं, वैसे हम पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोए यार, हम इतना थक चुके हैं यार, आंखों में नींद बिल्कुल दिख रही होगी आप लोगों को यार। और मतलब भैया जी बोल रहे थे कि हमारी बस का वीडियो पूरा आना चाहिए, तो उनकी बस का तो हमने थोड़ा बहुत शूट दिया है, अब थोड़ा और लेंगे ये भी ज़रूरी है। वैसे बस का इंटीरियर तो काफ़ी लग रही है, काफ़ी अच्छा है, अभी हमने बस की एसी को बंद कर दिया है, बस में काफ़ी चीज हो गई, तो हम ना ये ब्लैंकेट उड़ के सूट हुए थे। बस अभी तो बिल्कुल हम सो रहे हैं, इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एडवेंचर्स के साथ।